इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो इसमें अब कुछ उम्मीदें तो पैदा हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी कि फौरी तौर पे इसके डिविडेंड्स हो सकते हैं, कि कश्मीर के अंदर सूरत हाल को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है, कश्मीर पे स्टेक रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुशरफ जरी साहब, आपकी क्या राय है पाक इंडिया ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के हवाले से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो एक फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होने जा रहा है या फिर होने की तवक्को है, ये नतीजा खेज हो सकती है एफर्ट? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा समर कि ये जो उम्मीद है ये कहां से आई, क्योंकि जहां तक हमें इल्म है जो बैक चैनल टॉक्स है वो इनफॉर्मल हैं और बिहाइंड द सीन्स हैं, और उनके नतायज जो हैं अभी तक ऐसे नहीं आए कि किसी भी मुल्क ने, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, उसने किसी तरह का मुस्बत बयान दिया हो कि अब आगे ये मरहला आने वाला है। सर, वो इंडियन इंटेलिजेंस चीफ ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ के साथ रब्ता किया था और ये भारतीय ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, तो उस पर पाकिस्तान जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो तो यही है समर के, इवन वजीर खारजा जो जाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी के गार्डियन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि रवाबित का मतलब ये नहीं कि टॉक्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, कॉम्पोजिट डायलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, और इसमें जाहिर बात है ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि एक ज़माने में रियाज खोकर साहब ने जो पूरा इसको आर्किटेक्ट किया उस वक्त के लिहाज से वो बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन इस दौर में वो खुद अपना व्यू पेश कर सकते हैं। मेरा ये व्यू है कि जब तक कश्मीर में जो सख्तियां बरपा की हुई हैं हिंदुस्तान ने कश्मीरी अवाम पे, जब तक उन सख्तियों में वाजे तौर पे और वेरिफाइबल तौर पे कमी नहीं आती, तो किसी मौजू पे इंक्लूडिंग कश्मीर पे बात करने का तो सवाल ही नहीं बनता। बात क्या करेंगे? इवन कश्मीर पे अगर बात करनी है तो बात क्या करेंगे? हम उनको बताएंगे कि हम आपसे खुश नहीं है कि आपने कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की 5 अगस्त 2019 को, यही करेंगे ना? तो ये तो उनको पहले से पता है। ये तो हर फोरम में वजीर आजम हो या मुशीर हो या खराजी जो ताल्लुकात देखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जो है ये बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है। और हिंदुस्तान जवाब में क्या कहेगा? हिंदुस्तान कहेगा ये हमारा अंदरूनी मसला है, हमें ये पोजीशन भी पता है। ठीक है, इजाजवान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो दोबारा से ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, नेगोशिएशंस मुज़ाकरात फिर से शुरू होने जा रहे हैं, तवक्को इस बात की है वहां से जो मैसेज आया इंडिया से इंटेलिजेंस लेवल पे, लग रहा है कि ये नतीजा खेज हो सकता है? और जाहिर है एक चीज तो बड़ी क्लियर है पाकिस्तान की तरफ से, जो पॉलिसी मुझे पता लगी है बड़ी क्लियर है कि कश्मीर पे अपना स्टेक, अपना क्लेम नहीं छोड़ेंगे। 335A जो है उसे हम कंटेस्ट करते रहेंगे, 370 को पाकिस्तान ने पहले माना ही नहीं था जब इंडिया ने यह लाया था। समर, देखिए बात यह है कि आपने बात की जो बैक चैनल पे बातचीत हो रही है, इंटेलिजेंस वाले जो बातचीत कर रहे हैं इसको ना पाकिस्तान ओन कर रहा है, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा दो टोक कह दिया कि किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। तो जिसको कोई ओन ही नहीं कर रहा उससे तवक्कुआत वाबस्ता कम अज़ कम मैं नहीं करूँगा। दूसरी बात, अजीत डोवाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, the most untrustworthy people who can think of peace, this is my conclusion about these three people. और सबसे ज्यादा treacherous है national security advisor अजीत डोवाल। अगर अजीत डोवाल किसी किस्म की मुलाकातें कर रहा है तो ही may be trying to feel the water, trying to test the waters, trying to feel the temperature. वो कोई खैर सगाली का पैगाम, मैं उससे कम अज कम ये तवक्को नहीं रखता। तीसरी बात, अगर कुछ होने भी जा रहा है तो लेट इट बी अ वेरी क्लियर थिंग, कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला नहीं है। कश्मीर में अगर प्लेबिसिट का राइट दिया है यूनाइटेड नेशन ने तो वो पीपल ऑफ कश्मीर को दिया है। बिल्कुल, उनका इंतखाब के फैसला क्या होता है और किस सिमत में जाना है
ये फैसला वो लोग करेंगे, तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, जब तक कश्मीरी अवाम ऑन बोर्ड नहीं होंगे, दे आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डिसाइसिव स्टेक होल्डर्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर का फैसला न कर सकते हैं, न मॉरली इन्हें हक पहुंचता है, इसका फैसला वो होगा तो फोरम नहीं होना, अवाम ऑन बोर्ड होना है, लेकिन बाकी तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं है, किसी किस्म का कोई फैसला उन पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक। और तीसरी बात यह है कि अगर ये बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये बात करते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं और जंग इसका हल नहीं है, वेल मैं एज अ सोल्जर ये समझता हूं कि जंग इसका हल नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझता हूं एज ए पाकिस्तानी कि सरेंडर इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। जो प्रिंसिपल पोजिशन है उस पर कायम रह के अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो बात बढ़नी चाहिए, वरना लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइडेड एंड लेट्स अस कंटिन्यू सपोर्टिंग देम। ठीक। रियाज खोखर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? जी समर, देखिए सॉरी, इस वक्त जो भी मैसेजिंग वगैरह हुई है, दिस इज ऑल टैक्टिकल। सही। नरेंद्र मोदी, दोवाल, अमित शाह, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये हमारी गलत फहमी है कि अगर हम ये समझे कि उनका कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम टॉक्स नहीं करेंगे। 154 राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मगर कभी कोई नतीजे पे हम नहीं पहुंचते। वो इसी वजह से कि हिंदुस्तान जो है उसके टैक्टिक्स ये होते हैं टॉक्स फॉर टॉक्स, नॉट फॉर रिजल्ट्स, तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अम्बेसडर साहब, दो चीजें हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, इसमें गेन्स होते हैं आपके, एक होते हैं शॉर्ट टर्म के। देखिए, सीबीएम जब हुए, कश्मीरियों के आपस में ट्रेड शुरू हो गई, उनके आपस में जो है इंट्रा कश्मीर बस सर्विस स्टार्ट हो गई, आना जाना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ, ये इस तरह की छोटी छोटी सीबीएम से जो फायदा होता है, कुछ ना कुछ चीजें तो हो ही जाती है बेहतरी, बजाय से सब कुछ बंद पड़ा है, फौरी तौर पर सोल्यूशन तो इसका कोई नहीं आता। फायदा हो सकता है। सही। नहीं, ये देखिए, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने कश्मीरियों को कीमे की मशीन के थ्रू डाला है, और कश्मीरी इन चीजों होता है खत्म। आप यहां से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज, अब देता हूँ मैं अपना रिएक्शन। आपको बता दूँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कश्मीर। पाकिस्तान का ये फेवरेट टॉपिक है, हर तीसरे चौथे दिन पाकिस्तान में कश्मीर का डिस्कशन होता है, और पाकिस्तान के बच्चे बच्चों को सिखा दिया गया है कश्मीर हमारा है। हालाँकि ये तड़फ देख कर आपको एन्जॉय करना चाहिए, आप भी इस टॉपिक से बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर बात हो रही थी, यहाँ पर जो पाकिस्तान के एनालिस्ट थे वो बात कर रहे थे कि कश्मीर को लेकर जो भारत से आप उम्मीद रख रहे हैं उसमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कुछ सोच कर गया था सऊदी अरेबिया को, उसको कश्मीर से लेकर, मतलब जो कश्मीर के मामले पर सऊदी अरेबिया उसका कुछ साथ देगा, तो वहाँ पर तो उसको कुछ वहाँ पर मिला नहीं। हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान को ज़कात के थ्रू, मतलब जो ज़कात होती है उसके थ्रू पाकिस्तान को चावल की बोरियां मिली हैं, जो कि गरीबों में बांटनी पड़ेंगी। तो इमरान खान आखिर कुछ ना कुछ ले ही आया, जो कि इमरान खान का फेवरेट हॉबी है, मतलब भीख मांगना इमरान खान की फेवरेट हॉबी है। कहीं ना कहीं जाकर वो कुछ ना कुछ ले ही आता है। लोग दूसरे देश जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इमरान खान चावल की बोरियां लाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो गाइज़, आप समझ सकते हो, अब ऊँचे लोग ऊँची पसंद उनके हिसाब से ही होती है ये चीज़ें। तो इमरान खान के नसीब में चावल की बोरी है, और दूसरों के नसीब में अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हो। तो गाइस, अभी आपको बता दें, पाकिस्तान में इस समय सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इस समय कश्मीर से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के लिए मुहिम चला रहा है। भारत में भी ये मुहिम बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आप ट्विटर पे हैं तो फिलिस्तीनियों के लिए इतनी ज़्यादा मुहिम चल रही है कि अभी 3-4 दिन पहले काबुल में लगभग 70 मुस्लिम मरे हैं। हालांकि आपको बता दें, वो एक स्पेशल टाइप के मुस्लिम थे, वो सिया मुस्लिम थे, तो उनके लिए कोई मुहिम नहीं है कि उनको क्यों मारा गया, वो कैसे मरे, उनको किसने मारा। ऑब्वियसली उनको सिया मुस्लिम को सुन्नी मुस्लिम ने मारा, तो यहाँ पर कोई मतलब उस पर बात भी नहीं करेगा। लेकिन फिलिस्तीन में जो एक मस्जिद है उसके अंदर जो नमाज पढ़ रहे थे वो पत्थर लेकर आए थे, उनका इरादा ही था कि वो फ़ौज को टारगेट करेंगे। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के कुछ ट्वीट्स आप देखें, सऊदी अरेबिया में जो, और यूएई के कुछ ट्वीट्स, जो मुस्लिम हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप मस्जिद में पत्थर लेकर क्यों गए, मस्जिद में आप पत्थर लेकर क्यों जा रहे हैं। तो मतलब उनका प्रायोजित तरीके से एक इरादा था कि हमें
फोर्सेस पर पथराव करने, जिसके बाद फोर्सेस का रिएक्शन आ गया। अब ये रमज़ान के पहले ये चीज़ें बहुत होती हैं, हर साल होती हैं, और इसको लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की ये जो देश हैं यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट उछला कूंदी होती है। तो इस तरीके से आपने देखा ये लोग काबुल में जो अटैक हुआ उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। काबुल में जो अटैक हुआ वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ मारी गई हैं, 70 लोग मारे गए हैं, उसके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो खैर अफगानिस्तान की बर्बादी में पाकिस्तान का तो मतलब हाथ क्या पूरा का पूरा शरीर है, क्योंकि तालिबान को ट्रेन करके इन्होंने ही वहाँ पर घुसेड़ा, और उसके बाद आप समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत, अफगानिस्तान की हालत क्या हुई। तो गाइस उम्मीद करते हैं वो बच्चियाँ जो अफगानिस्तान में हर 6 महीने में जो अटैक होता है, सिया पॉपुलेशन जो वहाँ पर 12% रह गई है और मतलब 20% या 25% थी, अब बहुत कम हो गई है, तो उम्मीद करते हैं वो हजारा कम्युनिटी है जो क्या उम्मीद करें उनके बारे में, मुझे तो समझ में नहीं आता उनको इतना बेरहमी से मारा गया है। दोस्तों वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म।